बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हलवा बनाने जा रहे हैं, जो पूरी के साथ खाते हैं वो हलवा। ये मैंने 2 कप्स ऑफ ऑयल लिया है, इसी कप से मैंने भाप के, फिर ये 1 कप सूजी है जो बारीक वाली आती है वो सूजी है, और ये केन शुगर है, जागरी का पाउडर है, ये 1 कप लिया है। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एक इसमें लेके इसमें अभी इसको घूलने के लिए रख देती हूँ। जब तक मेरा हलवा अच्छे से घूल नहीं जाता, ये अच्छा आराम से इसके अंदर घूल जाएगा। अगर आपको लास्ट में अगर आपको थोड़ा सा मीठा कम लगे तो फिर एक ग्लास में आप डाल दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसा भिगने डाल के फिर आप डाल सकते हैं। मुझे तो इतना काफ़ी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, लेवल से खाते हैं। इसको अच्छे से भूनने दीजिएगा। ये घी है, 2 कप्स ऑफ घी है, इसमें सूजी डाल के अच्छे से भूनेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा डालिए ताकि लम्स ना आए। आंच में रख के इसको अच्छे से भूनिएगा, हैवी आंच में मत रखिएगा, क्योंकि दाग जल जाएगा तो फिर उसका मज़ा टेस्ट खराब हो जाएगा। जब तक के कलर नहीं चेंज करता, थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा ब्राउन, उतना ब्राउन नहीं, थोड़ा सा, जब तक इसको अच्छे से भून लेंगे हम। जब तक एक इलायची पाउडर अभी नहीं डालना है, जब भी डालेंगे तो तेल के इसमें स्मेल मालूम नहीं होगी। मैं कहूँगी आप तब डालिएगा। पानी मैंने बना के रखा था, उसको थोड़ा सा इस तरह से डालिए, जो लास्ट का है थोड़ा मैं उसको मेल्ट कर लूँगी। ग्रीप का पाउडर डाला है, अगर इसमें थोड़ा सा किरिक विरिक रहेगा तो नीचे कचरा रहेगा तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा देख के डालिएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं डाला है। अब इसको अच्छे से भूनिए ब्राउन कलर। लास्ट का पानी थोड़ा सा देख के जाएगी, थोड़ा सा कचरा अगर रहेगा तो नीचे ही रह जाएगा। देखिए इस तरह से वेस्ट पार्ट, देखिए किरिक है, वेस्ट पार्ट्स है, इसलिए डायरेक्ट नहीं डालेंगे हम लोग। थोड़ा पकने दीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ये 1 कप मिल्क डालेंगे, पकने दीजिएगा। पकेगा उसी टाइम थोड़ा सा ये 1 कप दूध डाल दीजिए। ये दूध फूटा नहीं है, ये मलाई है जो मैंने दूध के साथ डाली है, और इसको अच्छे से 10-15 मिनट्स अच्छे से पकाइए, जिसकी कंसिस्टेंसी तेल जब तक इसका वापस से छूटेगा नहीं तब तक हमको पकाना चाहिए। जब ये पकते रहेगा इस स्टेज पे थोड़ा सा 3 इलायची लेके मैंने कूट ली है, इस स्टेज पे डालिएगा, आपको स्मेल इसकी बरकरार रहेगी। ये अच्छे से तेल छूट चुका है बाजू से, घी छूट चुका है अच्छे से। इस टाइम पे हम थोड़ा सा ये कोकोनट, ड्राई कोकोनट का जो रेडीमेड बाहर मिलता है वो थोड़ा सा मैंने हाथ में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा लेके इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह कर देना चाहिए। ये बिल्कुल भी पक चुका है, इस स्टेज पे हम लोग इसको ऑफ करेंगे। फाइनली रेडी हो चुका है हमारा सूजी का हलवा।